आज हम लोग करने वाले स्पीड टेस्ट Redmi Note 10 Pro Max में, और यहाँ पे मेरे पास है न्यू Realme 8 Pro में। और दोनों का जो फोन है भाई, दोनों ही काफी कमाल दिखता है। पीछे से तो आप देख सकते हो दोनों ही मस्त दिखता है, लेकिन स्पेक्स ऑन पेपर तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो आज वो भी मैं बताऊंगा और कंपेयर करके बताऊंगा कि एक्चुअली में दोनों में से कौन सा फोन सबसे अच्छा आपको परफॉर्मेंस निकाल के देता है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग का, तो दोनों का प्राइसिंग बहुत ज्यादा डिफरेंट देखने को मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे Redmi Note 10 Pro Max आपको 20,000 का देखने को मिलता है, 6GB RAM with 128GB इंटरनल, और यहाँ पे भी 6GB RAM with 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ही आता है, लेकिन ये आपको 18,000 में देखने को मिलता है। लेकिन बाकी के जो स्पेक्स है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने दोनों फोन को स्विच ऑफ कर दिया है, लेट्स दोनों को एक साथ बूट ऑन करते हुए देखते हैं सबसे पहले जो कौन फोन खोल के आता है। ठीक है, सो 1 2 3 गो। ओके, रियलमी वाला पहले हुआ, ये अभी तक वाइब्रेट नहीं हुआ। ओके, ये वाइब्रेट नहीं हुआ, ऐसे खुल गया, चलो ठीक है। सबसे पहले वाइब्रेट तो ऐसे ये किया रियलमी। ओके, अगर अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर देना, और हमारे वीडियो को लाइक करो, और बताना ज़रा कमेंट करके बेस्ट बाय मतलब सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा आपको इस वीडियो का। और दोनों फ़ोन जो है कंपनी ने नहीं भेजा भाई, खुद के पैसे से मैंने परचेस करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो यस, देखते हैं भाई कब तक कौन फ़ोन खुलता है। ओके, यहाँ पे शॉकिंग रिजल्ट वापस से कि आपका 8 प्रो आपको सबसे जल्दी खुलने को, मतलब सबसे पहले जल्दी खुल जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा चीज़ मतलब देखने को मेरे को मिला, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। अब यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे देख लो जो स्कोर है बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको, जो अंतुतु स्कोर है यहाँ पे जो Redmi Note 10 Pro Max इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 732G देखने को मिलता है, जो कि 8 नैनोमीटर के ऊपर है। और यहाँ पे जो स्कोर है ये आपका 2,48,378 देखने को मिलता है। और यहाँ पे इसमें जो Realme 8 Pro में जो प्रोसेसर है वो है 720G, ये भी प्रोसेसर आपका 8 नैनोमीटर के ऊपर। यहाँ पे स्कोर मतलब देख लो भाई, जमीन आसमान का फर्क है, 2,80,000 कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे विन करता है आपका Realme 8 Pro। बेंचमार्क रिजल्ट देख सकते हो जो Redmi Note 10 Pro Max है, और यहाँ पे आता है सिंगल कोर में 482 देखने को मिलता है, और मल्टी कोर में 1502 देखने को मिलता है। और ये सब मैंने अभी रिसेंटली किया हुआ है, ठीक है, कोई पुराना मैं दिखा नहीं रहा हूँ। और यहाँ पे जो 8 Pro में ये 561 देखने को मिलता है, और मल्टी कोर में 1605 देखने को मिलता है। ऑब्वियसली फिर से यहाँ पे विन आपका Redmi Note 10 Pro Realme करता है। और यहाँ पे अगर मैं रीडिंग राइडिंग स्पीड का बात करूँ, इंटरनल स्टोरेज का, दोनों में आपको UFS 2.1 देखने को मिलता है। यहाँ पे भी शॉकिंग रिजल्ट है, बिकॉज रीडिंग स्पीड आपको जो MIE इसमें 495 देखने को मिलता है, रीडिंग राइडिंग स्पीड है 216, और यहाँ पे जो Realme है 506 देखने को मिलता है, और राइडिंग स्पीड आपका 277 है। मतलब कि Realme वालों ने बहुत अच्छा से ऑप्टिमाइज करके फ़ोन को लॉन्च किया हुआ है 8 Pro को, इसकी वजह से काफ़ी अच्छा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। और यहाँ पे कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली भाई इस फोन में तो इतना लैग, इतना बग्स वगैरह था कि मत बोलो, अभी तो बहुत कम हो चुका है। अब मैं आपको एप्लीकेशन की तरफ लेके चलता हूँ। सो यहाँ पे टोटल 12 एप्लीकेशंस देखने को मिलता है। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से ओपन करूँगा, फिर मैं बाद में भी आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि रैम मैनेजमेंट में पीछे बैकग्राउंड में है कि नहीं, और दोनों फोन में पीछे में भाई कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और दोनों का दोनों सेम वाईफाई नेटवर्क में कनेक्ट है। सबसे पहला बात आता है पबजी का, सो ओके 1 2 3 गो। सबसे पहले जो PUBG ओपन हुआ है वो Realme में हुआ है, लेकिन सेम आईडी की वजह से ये लोड हो गया, ये लोड नहीं हुआ। लेकिन सबसे पहले जो PUBG खुल रहा था वो आपका Realme में खुल रहा था। ठीक है, अब इसको भाई मिनिमाइज करते हैं, इसको भी भाई निकलो। अब यहाँ पे Flipkart 1 2 3 गो। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले जो कंटेंट है ये वापस से Realme में ज़्यादा अच्छा से रिफ्रेश हुआ, मतलब कि जल्दी रिफ्रेश हुआ। और यहाँ पे मैं कुछ खोल देता हूँ, चलो ये भी हो गया। फेसबुक सबसे पहले Realme में खुला, सही चीज़ है जो कि, और कोई भी किसी का स्टोरी खोल देते हैं और बैक चल जाता हूँ। Amazon सबसे पहले मैं Realme में खुला, जो कि काफ़ी सही चीज़ है भाई, Realme काफ़ी अच्छा से ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है फ़ोन को। प्रोसेसर भले इससे आपका डाउनग्रेड देखने को मिलता है, लेकिन भाई क्या ऑप्टिमाइज़ है, मतलब ऑप्टिमाइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है फ़ोन को। YouTube 1 2 3 गो। वापस से Realme में खुला, क्या बात है, दोनों पे एक वीडियो लगाते हैं और बस निकलता हूँ। कैंडी क्रश में MI विन करता है। ओके, सो यहाँ पे गेम भी प्ले कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको बैकग्राउंड में चलने दूंगा। यहाँ पे गेम भी जो है प्ले हो रहा है, कर देते हैं, थोड़ा गेम भी खेल देते हैं भाई, गेम खेलना चाहिए। क्रोम
सो यहाँ पे दोनों में आई थिंक सो सिमिलर स्पीड था। अंकित गुरु जी .com पबजी डाउनलोड दोनों में सेम टाइमिंग में खुलता है। और यहाँ पे ये मेरा खुद का वेबसाइट है, और यहाँ पे जैसे आप ये सर्च करते हो और यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट चल जाओगे मेरे वेबसाइट में, जहाँ से आप पबजी का जो भी ग्लोबल वर्जन लेटेस्ट आता है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ जाना और क्लिक करने का, यहाँ पे देखो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है, ये क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं। प्ले स्टोर, ओके, सो यहाँ पे MI विन करता है, सही है। यहाँ पे अब क्लैश ऑफ क्लैन, तो इसको लोड करने के लिए MI विन करता है, ये काफी लेट से लोड किया, जबकि सेम टाइम में मैंने ओपन किया था। एक बार खुलने देते हैं, चलो ये भी खुल गया, इसको भी हटाओ। गेम बेंच प्रो, ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपका MI विन करते हुए देख सकते हो, MI ने विन किया। ओके, MI विन हुआ। टेम्पल रन 2, MI में सबसे पहले लोड होता है, तो ये मैंने कर दिया प्ले और इसको भी मैंने कर दिया बैक। और यहाँ पे कैमरा, फाइनली कैमरा खोल के देखते हैं। तो कैमरा MI में कैमरा सबसे पहले खुला, एक फोटो, 1 2 3 गो, दोनों में एक फोटो, ये मैंने दोनों फोटो उसको ओपन किया। यहाँ पे लोडिंग, ओके, यहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है। और देख लो रियलमी 8 प्रो में कैमरा कैसा है, मतलब जो फोटो है वो बहुत सही देखने को मिला, लेकिन जो फैन है वो एकदम ये शेकी टाइप हो गया, इसने एकदम मस्त क्लिक किया फोटो। चलो एक कैमरा व्यू भी यहाँ दे दिया। यहाँ पे मैंने सारा एप्लीकेशन को ओपन कर चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से मैं सारे एप्लीकेशन को ओपन करूंगा और देखूंगा कि रैम मैनेजमेंट इसका कैसा है, बिकॉज यहाँ पे सारे एप्लीकेशन आप देख सकते हो, यहाँ पे सारे एप्लीकेशन पहले से खुला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जाते वापस पबजी में, 1 2 3 गो, कौन कौन पबजी को रखा हुआ है, तो दोनों फोन ही पबजी को उड़ा चुका है, पबजी को दोनों ही ने रैम मैनेजमेंट में रखा नहीं, मतलब बैकग्राउंड में रखा नहीं रन करते हुए, तो ये एक काफी बोरिंग चीज है, ठीक है। चलो पबजी नहीं है, फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट में ओके, MI ने लोड कर दिया बहुत जल्दी, और यहाँ पे ये जो मैंने कंटेंट यहाँ पे रखा था वो भी देखने को मिलता, और यहाँ पे जो रियलमी वाला है वो अभी भी लोड कर रहा है। ओके, दोनों में ही है, लेकिन रियलमी वाला बहुत टाइम लगा खोलने को, ठीक है। फेसबुक फिर से दोनों स्टोरी में ही है। अमेजोन, तो Amazon जो है यहाँ पे कंटेंट रिफ्रेश हुआ है और यहाँ पे MI में सबसे पहले खुल जाता है, और यहाँ पे आपका Realme 8 Pro में नहीं खुला अभी तक, भाई अभी तक नहीं खुला, खुल जाओ भाई, सेम नेटवर्क में कनेक्ट है। जबकि YouTube, तो सबसे पहले आपको MI में खुलता है, तो यहाँ पे ये विन करता है। कैंडी क्रश, तो कैंडी क्रश जो है यहाँ पे दोनों ने ही यहाँ पे बैकग्राउंड पे नहीं रखा, रीलोड हो रहा है, और यहाँ पे MI विन करता है, बिकॉज सबसे पहले आपको MI खोल के देता है। और यहाँ पे क्रोम में अगर जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे MI में खुलता है, और रियल यहाँ पे जो रियलमी वाला है वो थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेता है। और यहाँ पे प्ले स्टोर यहाँ पे आपका MI विन करता है। कैश ऑफ क्लैन, तो दोनों ही में जो गेम है वो रिलोड हो रहा है, चलो दोनों में गेम रिलोडिंग हो रहा है। गेम बेंच प्रो, दोनों में ही खुल गया। टेम्पल रन 2, दोनों में ही जो गेम है वो रिलोड हो रहा है, और यहाँ पे सबसे पहले आपका MI जो है वो रिलोड कर देता है गेम को। और यहाँ पे कैमरा में हम लोग ने गैलरी पे को खोल के रखा था, तो कैमरा को मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे कैमरा में सबसे पहले रियलमी खोल के देता है, और यहाँ पे जो कंटेंट है वो रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है, तो देख सकते हो ये रहा फोटो। ओके, दोनों में ही काफी डिफरेंट रिजल्ट देखने को मिला, यहाँ पे दोनों ही अलग अलग परफॉर्मेंस निकाल के दिया हम लोगों को, किसी में ये खुल रहा था पहले, किसी में ये खुल रहा था पहले, किसी में रैम मैनेजमेंट अच्छा है, कोई पहले खोल के दे रहा है। एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो रियलमी वाला ये बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया हुआ है एज कम्पेयर टू रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स में, जबकि अच्छा प्रोसेसर है, बट फिर भी सबसे अच्छा ऑप्टिमाइज आपको देखने को मिलेगा, रियलमी वाले ने बहुत तगड़ा ऑप्टिमाइज किया हुआ है। तो मैं तो यही कहूंगा कि फिलहाल तो देखो ये फोन का जो प्रोसेसर है इसे ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर ये इन फ्यूचर अगर थोड़ा सा मतलब ऑप्टिमाइज वगैरह अपडेट वगैरह आके हो जाता है तो ऑब्वियसली ये फोन अच्छा रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए विन तो भाई रियलमी 8 प्रो ही करता है। सो गाइस, आशा करता हूँ कि आपको ये स्पीड टेस्ट पसंद आया होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो इस वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर कर देना, हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर देना, और मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।